स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूँ भारती दास। फाल्गुन का महीना है और राजस्थान में बाबा खाटू श्याम की पदयात्रा की धूम मची हुई है। लाखों की तादाद में लोग खाटू श्याम की पदयात्राओं में शामिल होते हैं और बहुत दूर दूर से लोग बाबा की ध्वजा निशान लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, फाल्गुन में 12 तिथि तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के भक्तों की सेवा में जुट जाते हैं और भक्ति में लीन होकर जगह जगह पंडाल आदि लगाकर आने वाले भक्तों की अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं। डीजे की धुनों पर नाचते हैं, गाते हैं। भक्तों का जोश इस पदयात्रा को बहुत ही आनंदमय बना देता है। इस विख्यात पदयात्रा में किस तरह का माहौल होता है और कितनी रंगीली होती है ये पदयात्रा, आइए आपको लेकर चलते हैं श्याम भक्तों के बीच। जैसे कि हम जानते हैं फाल्गुन का महीना है, जगह जगह बाबा की रेलिया पदयात्राएं निकल रही है। हम जगह जगह देख सकते हैं कितनी सारी पदयात्राएं निकल रही है। तो आज हम हैं यहाँ पे नारिका नाका की साइड में, जहाँ पर बाबा की पदयात्रा निकल रही है, खाटू श्याम जी की पदयात्रा निकल रही है और बड़े बड़े पांडाल सजे हुए हैं। काफी भीड़ आ रही है यहाँ पर और भक्तों में काफी जोश देखने को नजर आ रहा है। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं हम भक्तों से कि आखिर कैसा है उनका जोश बाबा के प्रति और इस पदयात्रा के प्रति। सर, कितने सालों से आप इधर स्टॉल्स लगा रहे हैं? मैम 26 इयर्स। 26 इयर्स। तो किस तरीके का जोश है आप में बाबा की पदयात्रा को लेके फाल्गुन के महीने में? जैसा कि कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। उधर ही सामने चलो, जो पीछे फोटो भी आएगा तो सामने चलो। तो इसी जगह लगाते हैं आप पांडाल हमेशा? हर साल इसी जगह लगता है। क्रेज बढ़ता ही जा रहा है इसका। तो आपको कैसा लगता है ये मौसम, जो फाल्गुन का महीना है? बाबा को अपनी खाल की जूतियां बना के भी पहनाऊंगा तो भी कम है। मैं इतना बड़ा इनका भक्त हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। वो शाम प्यारे सर, आप कितने सालों से बाबा की सेवा में हैं? मैं 5 साल से। 5 साल से बाबा की सेवा में हैं। तो सर, किस प्रकार का आनंद महसूस होता है आपको? हाँ जी, किस प्रकार का आनंद? बहुत बढ़िया। तो कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप बाबा की पैदल यात्रा में? 5-6 साल से। 5-6 साल में तो बहुत आनंद महसूस करते होंगे बाबा की सेवा करके। इसी प्रकार से भीड़ आती है? इसी प्रकार से। सर, आपका नाम? नीरज शर्मा। कितने सालों से आप बाबा के यहाँ सेवा दे? बाबा की सेवा कर रहे हैं हम 8-9 साल से। यहीं पे लगाते हैं आप? 8 साल यहीं लगाते हैं। हाँ जी। इस बार किस चीज की स्टॉल लगाई है सर? अपने जंजीरा की लगाई है। तो सर, कब से आप बाबा की सेवा कर रहे हैं? आप 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। और यहीं पे स्टॉल लगाते हैं आप? हर साल यही लगाते हैं? हाँ, यही लगाते हैं 2 साल से। कब से आप बाबा की सेवा में? बाबा की सेवा में 21 साल हो गए हमको और भंडारा लगाते हुए 17 साल हो गए हैं। तो हर साल यहीं पे भंडारा लगता है आपका? हर साल यही भंडारा लगाते हैं। ठाकुर जी की, कावटे खुर्रे की, जयपुर से कई क्षेत्रों से यात्राएं आती है यहाँ पे, उनका स्वागत के लिए यहाँ पर एक डोरसर में हम भंडारा लगाते हैं। जोरों शोरों में बाबा के यहाँ पे भीड़ आ रही है। आप देख सकते हैं कितनी जनता बाबा के दरबार में आ रही है और इनकी श्रद्धा तो उससे भी बड़ी है। तो आइए इनसे पूछते हैं। तो आंटी, क्या मांग रही हैं आप बाबा से? बस बाबा के जाना मांगते हैं, पर और क्या चाहिए अपने को। तो कितने सालों से आप पदयात्रा में जा रही हैं? हमको तो काफी टाइम हो गया। हाँ, इसी प्रकार की श्रद्धा, इसी प्रकार के जोश से। तो आप ही आइए क्या, आपके घर से भी कोई और आया? सब आए ना, पूरी फैमिली है हमारी। पूरी फैमिली है हमारी। आप कितने सालों से आ रही हैं बाबा की? मैं पहली बार आई हूँ। सर, कितने समय से आप बाबा की सेवा में हैं? हम 18 साल से हैं। तो ये निशान ध्वजा लेकर के चलते हैं हर साल? हाँ जी। और कहाँ से आप पद यात्रा में शामिल? मैं मानसूर शामिल हूँ, लेकिन हमारे मंडल कावेरी बनी पार्क में। बनी पार्क में। सर, आपका नाम क्या है? अनुज अग्रवाल नाम है। तो आप कब से शामिल हुए इस ध्वजा में? करीब 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल हो गए। और कहाँ से हैं? मैं मानसरोवर से, गिटी रोड। क्या मांगना, क्या चाहते हैं आप बाबा से, क्या मतलब क्या मनोकामना है आपकी? मेरी मनोकामना पूरी हुई है, मैं उसके लिए ये लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो सर आपकी भी मनोकामना पूरी हुई है ऐसा? हर साल हो ही रही है। तो मैम, कितने सालों से सेवा कर रही है बाबा की आप? 2 सालों से कर रहे हैं। तो ये पदयात्रा में हर साल आती है और अपने परिवार? तो लेती हूँ, मैं जाती हूँ दुलंडी को, जाती हूँ हमेशा परिवार के साथ में आती है। खाटू श्याम बाबा की जय। आप लोग कब से बाबा की सेवा में है? मैं बाबा की सेवा में 14 साल से। 14 साल से। सर, आप? 20 साल से। 20 साल से। और इसी प्रकार की सेवा हर साल करते हैं यही? इसी प्रकार की भी करते हैं, पैदल यात्रा भी करते हैं और बाबा के मैंने बात गाल के मिलने का अनुभव भी मेरे को प्राप्त हुआ है। चमत्कार करता। तो आंटी, आप कब से बाबा की सेवा में? मैं 25-30 साल से हूँ। मैं 25-30 साल से पद यात्रा भी जाती है। 15 बार कर चुकी मैं। 15 बार जयपुर से खाटू। आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है? रिंगस से जयपुर, रिंगस से खाटू श्याम जी के पैदल जाते हैं। आप लोग रिंगस से शामिल होते हैं? प्रत्यक्ष में प्रमाण देख लीजिए। थोड़ा सा ये आपका टीवी चालू करिए, बाबा की मेहरबानी है। आप देख रहे होंगे 2 दिन से मैं डांस कर रहा हूँ और ये देखिए। बोल श्याम प्यारे की जय। सर, आप कितने सालों से बाबा की सेवा में हैं? पिछले करीबन 8-10 सालों से हम लोग ये स्टॉल लगा रहे हैं। बस श्याम भगत का फागुन मेले का जो श्याम
दरबार लोग जाते हैं, पैदल यात्री जाते हैं, उन लोगों की सेवा के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं, यहाँ खड़े रहते हैं। तो ये बाबा की भक्ति में इतना लीन है कि आपका पूरा परिवार यहाँ पे मौजूद है, तो आपने क्या मतलब क्या अपेक्षा रखते हैं बाबा से, फिर क्या मांगा है आपने बाबा से? देखिए भगवान से तो हम यही चाहते हैं कि सब तरफ सुख समृद्धि रहे, जितनी सुख और शांति चारों तरफ रहेगी उससे सबका ही कल्याण होगा। सर आप कितने सालों से हैं बाबा की सेवा में? बहुत सालों से हैं। बहुत सालों से, तो सर हर साल इसी प्रकार से भीड़ उमड़ती है बाबा की सेवा में? बिल्कुल इसी प्रकार भीड़ उमड़ती है। फिलहाल एनबीसी स्पेशल में इतना ही, आप देखते रहिए मेरे साथ एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार। सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।